मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में हुए भव्य स्वागत और सम्मान को देश का सम्मान बताया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के भाजपा नेताओं के संपर्क में होने का बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार में तब भी कहते थे कि भाजपा विधायक उनके संपर्क में और खुद भी सरकार को खो बैठे थे। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री को मिस्र में नवाजा गया है। ये प्रधानमंत्री का अकेले का सम्मान नहीं, ये भारत देश का सम्मान है। अमेरिका में आपने उनकी अगवानी देखी होगी, स्वागत देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री का। ये भारत देश के हर नागरिक का है, सम्मान है। ये हमारे अपने वोट की ताकत है कि देखिए भारत का मान कैसे बढ़ता है, कैसे विश्व गुरु बनने के लिए हमारा भारत आगे बढ़ता है। अब आप कल्पना करो, कोई पैर छीने के लिए दौड़ रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांगने के लिए दौड़ रहा है, कोई मिस्र में उनको एक अलग प्रकार का सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो नदी के बारे में कहा जाता है, वो सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये उनको सोचना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बारे में तीखी प्रतिक्रिया देते हैं और विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं। जो सजा हुई है वो उनका आशय देखिए, दिग्विजय सिंह जी न तो न्यायालय पे भरोसा करते हैं, न किसी संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करते हैं, न सेना पे भरोसा करते हैं, और चुनाव हार जाएं तो फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं करते। वो कभी भी ऐसे सवाल जो है ना उठाते ही रहते हैं जिससे देश का मान घटे, संवैधानिक संस्थाओं का मान घटे। उनकी नज़र में जाकिर नायक शांतिदूत हैं, आईएसआई जो है, पीएफआई जो है, उनको वो ठीक लगते हैं, बस बाकी सब गलत लगते हैं। पहले जब विधानसभा में वो सरकार में मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसे ही कहते थे, कई विधायक संपर्क में, और पूरी सरकार खो बैठे थे, चले इनके विधायक गए थे। ज्यादा ऐसे कहेंगे तो ऐसा नहीं हो कांग्रेस का ही हवा टूट जाए। सर्वे और सर्वे सर्वा, ये दो चीजें हैं। इधर दिग्विजय सिंह खुद कार्यालय का उद्घाटन करके टिकट बांटते हैं और कहते हैं सर्वे सर्वा कमलनाथ, नाम किसी का काम किसी का। ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह है जो सबके सामने आ रही है। मेरे मित्र गोविंद सिंह जी ने भी एक रिपोर्ट लिखाई है कि उनको फोन पर किसी ने राहुल गांधी जी का नाम लेके बुलाया है। अब ये क्या क्रिया की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, पोस्टर कार्यालय तक आ गया। ये जो हमने पोस्टर लगा था तभी कहा था, अब ये फेक कॉल आ गया। एक दूसरे को परेशान करने का जो क्रम कांग्रेस में चल रहा है, इससे आप कांग्रेस के अंदर खाने का समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में परेशान करने का सगल चल रहा है। मैं माननीय कमलनाथ जी को पत्र लिख रहा हूं, एक आदरणीय प्रियंका खड़गे जी के बयान के आधार पर, कि बहुत गौशाला खोलने की बात करते थे ना, अब इस पे अपनी राय बताएं। कांग्रेस की एक सरकार बनी है, अभी विधेयक वापिस हुआ बेटियों को लेके, दूसरा बयान पंचायत मंत्री का आ गया। मैं कमलनाथ जी से पत्र लिख के पूछना चाहता हूं कि आपका इस बयान के बारे में जो घोर निंदनीय बयान दिया है, इस तरह की जो उनकी प्रतिक्रिया आई है गौ सेवकों के लिए, गौ रक्षकों के लिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और आप कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहते हो?